हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस में देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है किस तरह से फाइंड किया जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो में जो है दो टाइप के रेशियोज बोले जाएंगे। एक तो सिंपल अगर बोलता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट लेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेंगे, और ऑनर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड। तो ऑनर्स फंड में हम क्या क्या लेते हैं, शेयर कैपिटल लेंगे, सारे रिजर्व लेंगे, उसमें अगर फिक्टिशियस एसेट है एसेट साइड तो वो माइनस कर देंगे। और लॉन्ग टर्म डेब्ट में लोन हुआ, डिवेंचर्स हुए, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज गिनी जाती हैं वो दोनों लेंगे और फॉर्मूला में रख लेंगे। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या ऑनर्स फंड, आप जो भी बोलो। तो फॉर्मूला लिखूँ मैं इसमें, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय ऑनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड। यहां पे आते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो वो है डिबेंचर्स प्लस लोन, दैट मीन्स 5 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। ऑनर्स फंड आते हैं तो उसमें लेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल है 20 लाख प्लस रिजर्व्स है 5 लाख, तो टोटल है 25 लाख। फॉर्मूला में आके रखूंगा 10 लाख डिवाइड बाई 25 लाख, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 2 10 5 5 20 5, तो 2:5 है डेप्ट इक्विटी रेशियो। मतलब ऑनर का फंड अगर 5 रुपीज है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो 2 रुपीज है। ये एग्जांपल में आ जाते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो वो है सिर्फ और सिर्फ 7% डिबेंचर्स विच इज इक्वल टू 10 लाख। ऑनर्स फंड आते हैं तो उसमें लिया जाएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे भी फिक्टिशियस एसेट्स तो है नहीं, शेयर कैपिटल है 30 लाख प्लस रिजर्व्स है 10 लाख, टोटल मिला के 40 लाख। फॉर्मूला लिखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय ऑनर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट है 10 लाख डिवाइड बाय ऑनर्स फंड है 40 लाख, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे है 1:4
लॉन्ग टर्म डेट टू ऑनर्स फंड। इसका मतलब है ऑनर्स ने अगर 4 रुपीज़ फंड लगाया है तो उनके ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो 1 है। फिर से बता दूं मैं क्या क्या लेना है हमको, लॉन्ग टर्म डेब्ट और ऑनर्स फंड लेना है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में डिबेंचर और लोन, और ऑनर्स फंड में सारी शेयर कैपिटल्स, फ्री रिजोर्स, माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स।